नमस्कार, चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। खबरों को देखें विस्तार से। बांदा ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड विद्युत 120 केवी उप केंद्र चिल्ला रोड बांदा पावर हाउस में लगी भयंकर आग। आपको बता दें, पूरा मामला शहर मुख्यालय के पावर हाउस का है, जहां पर चिल्ला रोड स्थित उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड विद्युत 132 केवी उप केंद्र पावर हाउस पर लगी भयंकर आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। कई ट्रांसफार्मर जलकर हुए राख, लगभग 3 फीटरों की लाइट हुई गुल, जिसमें से कालूकुआ फीटर, कनवारा फीटर तथा बांदा फीटर। मौके पर शहर कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी तथा मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहां पर मौजूद विद्युत कर्मचारियों ने बताया है कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पूरा मामला बांदा शहर मुख्यालय के इंदिरा नगर स्थित पावर हाउस का है। बांदा से संवाददाता पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। सर, किस तरह से यहाँ आग लगी हुई थी और क्या प्रबंध किए गए आपकी तरफ से? अभी टेलीफोन से कुछ पब्लिक के लोगों ने सूचना दी कि यहाँ रोड पे तार में स्पार्किंग हो रही थी और संभवतः उसी की वजह से इनके सिस्टम में आग लगी है। बाहर 11,000 वोल्ट की लाइन है, वहाँ पे तार आपस में टकराए। जी सर, फिलहाल इनकी टेक्निकल टीम जांच कर रही है कि किन कारणों से आग लगी है। तत्परतापूर्वक तत्काल फायर सर्विस को बुलवा करके पानी डलवा के और फोम डलवा के आग को बुझवाया गया है। भारी नुकसान होने से बच गया, अन्यथा अन्य ट्रांसफार्मर में भी आग लगती तो काफ़ी नुकसान होता। कौन सी जगह है सर ये 132 के वी? 132/33 के वी का पावर हाउस है ये चिल्ला रोड का और इस नगर का बहुत ही महत्वपूर्ण पावर हाउस है। थैंक यू सर। किस तरह से आग लगी, क्या कारण थे? अभी हमने कारण का विश्लेषण नहीं किया है। अभी आपने देखा तुरंत इसमें सबसे प्रथम प्रक्रिया जो थी आग बुझाने की प्रक्रिया है, जी उसको पूरा करके फॉल्ट सिक्वेंस दिखाया जाता है। कितनी देर बाद आग बुझी सर? आग जल्दी बुझी मेरे ख्याल में, ये लगभग 4 से 4:15 के बीच की घटना। लगभग कितना नुकसान हुआ सर? किन किन जगहों की लाइट गई है? इस ट्रांसफार्मर पे हमारे 3 फीडर हैं, बांदा फीडर, कालूकुआ फीडर और एक कनवारा फीडर। ये सब अंधेरे में रहेंगे सर कब तक? वैकल्पिक व्यवस्था हमारे एक्शन साहब कह रहे हैं करेंगे, लेकिन दोनों चीज इसको रिस्टोर करना, उधर भी करना। ट्रांसफार्मरों से यही अनुरोध है कि प्लीज अभी आप लोग। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पाठक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि देश और दुनिया की किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें और जुड़े रहिए हमारे चैनल चैलेंज न्यूज 24 के